कॉनर वर्सिस डी सी डा 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 ओके सो डी सी और कॉर्नर मगरेगर का कोई लिंक नहीं है एक कि तरीके से देखा जाए तो हैवी वेट डिवीजन लाइट वेट डिविजन फॉर्मर डबल वेट डबल वेट डबल डिविजन चैम्पियन चैम चैम्प कॉनर मगरेगर फर्स्ट चैम चैम्प कॉर्म मगरेगर अभी भी एक्टिव हैं डीसी रिटायर्ड सो हालांकि कोई लिंक नहीं है कोई ऐसा कुछ खास वजह भी नहीं है बट क्योंकि डीसी सी कुछ कमेंट्स ऐसे आए थे जिसमें उन्होंने सपोर्ट किया था और बेसिकली कहा था कि शायद कॉलर को अब हेल्प की ज़रूरत है वो एक डार्क प्लेस में पहुंच गए हैं जहाँ पे उनके पास जो उनका माइंड है वो उनका दुश्मन बन गया है और इसका जवाब दिया कॉनर uh, ने तो कॉलर ने जो ट्वीट किए थे उधर तो ये किए थे Daniel Cormier is a fat mess getting into worse condition by the day God bless him showing up drunk at media events the very day before he was in booth for calling me a fight drunk at media event working the day before being the commentator for the biggest fight in history it's a sacrilegious offense of, so basically what they are saying is that Derek Lewis uh, sorry, uh, DC who, before the fight जो होती है आई थिंक फाइट से एक दिन पहले एक दिन पहले वो जब आए थे जो द वेन शो था उस टाइम पे वो थोड़े से वो आल्ली थे बट क्योंकि उस टाइम पे ऐसा होता है कि यू you नो know, जब ये जो यहाँ पे फोटो है ये देखिए yes, yeah. ये जो इवेंट है ये चल रहा था oh. वेन के दिन और उस टाइम पे एक आई थिंक बॉटल आई थिंक बियर है वो शायद शायद पीनी थी डी डी सी को सो आई फील की यहां पर लेट मी शो वन मोर टाइम me मी शो यू सो अब नहीं आ रहा Sorry. सॉरी सो बेसिकली इस फाइट से पहले वेन के दिन कॉर्नर uh, जब बारे में जब पूछा गया तो उस टाइम पे बेसिकली डीसी है वो होस्ट कर रहे थे वेन शो और वहाँ पे एक गेम वो खेल रहे खेल रहे थे जहाँ पे उस गेम में आ, लौरा सेंको और डीसी को एक बियर की बोतल है वो पीनी थी और जब वो आते हैं फॉर प्रेस थोड़े से वो हल्के से वो कहते हैं कि आई एम बिट हाई मैं थोड़ा सा मैंने पी रखी है बट किसी भीवल पर इतना नहीं खेल गया भाई मुझे तो पता नहीं क्या हो रहा है सो कॉर्नर बेसिकली उस बात पर एक सवाल सवाल उठा रहे थे कि क्यों डी फाइट से एक दिन पहले मीडिया डे के दिन वो ड्रिंक करके आए हुए थे हालांकि दोस्तों वो बहुत ही छोटी अमाउंट थी डी एक बहुत हैवी वेट बंदे हैं तो उनको कुछ रोट नहीं पड़ता उस छोटे से अमाउंट से बट एक तरीके से शॉट हैं वो ले रहे थे कॉर्नर कि हे दिस गाय फैट गाय ड्रंक गाय मेरी फाइट से पहले यू you नो know, पी के आया है और मेरे बारे में उल्टी उल्टी बातें कर रहा है और ये था पूरा मसला इससे बाद में रिप्लाई करते हैं डीसी जो कि एक ट्वीट था जो अब, अब, अब शायद उन्होंने साफ कर दिया है

विद डस्टिन पोिए डी बिलोंग करते हैं फ्रॉम होम प्लेस ऑफ डस्टिन पोरिए लुजियाना और वहीं के हैं डिन पोरिए सो उनका एक कनेक्शन है विद डस्टिन पोरिये वो ऑबियसली टीम मेट हैं विथ हबीब तो बिकॉज ऑब्वियसली जब वो टीम मेट हैं हबीब के वो दोस्त हैं डस्टिन पोरिए के तो वो उनका काफ़ी फेवर करते हैं और उन्होंने कहा था कि कॉर्नर जो ट्वीट्स कर रहे हैं हबीब के लिए या जिस तरीके से वो बात कर रहे थे फाइट के बाद डिसनपोरी के लिए या उनकी वाइफ के लिए आई थिंक बहुत डार्क प्लेस में पहुंच गए हैं कॉर्नर उनको हेल्प की ज़रूरत है कोई कोई उनको समझाए कोई उनको मतलब बताए कि ये ना ये सही नहीं, नहीं है और उसका जवाब दे रहे थे कॉर्नर और हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है कभी भी ये फाइटर आपस में फ़ाइट नहीं करेंगे बिकॉज़ डी सी अगेन हैवी वेट चैम्पियन फॉमर फॉमर हैवी वेट चैम्पियन कॉर्नर डेफिनेटली फाइटिंग इन वेल्टरवेट एट मैक्स बट इंटरेस्टिंग कि कैसे कॉर्नर uh, uh, उन सब लोगों को जो कि फेमस हैं ध्यान रहे कि डीसी दोस्तों अभी भी एक बड़ा नाम है इन इन मीडिया बिकॉज अगेन फॉर्मर चैम्पियन वेरी गुड एथलीट और उनके बहुत लोग उनको बहुत जानते हैं कि है ऑब्वियसली डी सी को दोस्तों लोग जानते हैं जिनका शो था विद एरियल हलवानी वो दोस्तों एक बहुत बड़ा शो था बिकॉज अगेन बहुत कम ऐसा होता है कि एक एक डबल डिवीजन चैम्पियन काम कर रहा है पॉडकास्ट सो so, एक वो बड़ा नाम है एमएमए कम्युनिटी में और इसलिए शायद उनके वर्ड्स को लोग लोग इंपॉर्टेंस देते हैं और शायद इसलिए शायद कॉनर ने उनको रिस्पॉन्ड रे, किया है और दोस्तों इंटरेस्टिंग स्टफ स्टफसी क्या होता है जब नेक्स्ट टाइम फाइट होगी uh, कोकॉनर की और उस टाइम पे शायद यू नो काम कर रहे होंगे एज ए कमेंटेटर डीसी दोस्तों